नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सहित चार राज्यों में हुए उपचुनाव में मोदी के जादू को जनता ने नकार दिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि मोदी ने चुनाव प्रचार किया ही नहीं तो जादू का कोई बात ही नहीं होता। विपक्ष के आरोप को किया खारिज। मध्य प्रदेश के कामतानाथ मंदिर में मचा भगदड़, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने किया प्रगति सिटी का शुभारंभ, नोएडा इकाई बना देश का पहला प्रगति सिटी रीजन। इस अवसर पर बैंक के एमडी आरके कामत ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, सेविंग्स बैंक अकाउंट एक इंडिविजुअल ग्राहक के लिए बनती है और इसके लिए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो जो अकाउंट खोलने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आदमी की आइडेंटिटी, एक एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अभी इसमें अभी लास्ट एक बरस में इसमें बहुत ही सुविधाएं बढ़ाई गई है, जैसा कि आधार नंबर दिया है, वो आधार नंबर का कार्ड किसी के पास है तो उसमें आपको आदमी की पहचान भी मिलती है, आदमी की एड्रेस भी मिलती है। लेकिन एक करंट अकाउंट खोलने के लिए ये बिजनेस की अकाउंट होती है, इसमें और कुछ जानकारी की बहुत ज़रूरत रहती है, इसके लिए और थोड़ा फॉर्म थोड़ा भरना थोड़ा और ज़्यादा रहता है। लेकिन हम हमारे बैंक में जब भी बीच बीच में ये सेविंग्स बैंक के जैसा ही करंट अकाउंट का कैंपेन करते हैं तभी जो लोगों को इसके बारे में जानकारी। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई अभी लोग हर कोई नौकरी करने की सोचते हैं तो नौकरी करने के बजाय युवा अगर अपना व्यापार करेंगे तो उसके व्यापार के साथ साथ चार लोगों को और भी नौकरी मिल पाएगा, इससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी बढ़ेगा और बिजनेस भी खुद डेवलप होगा। तो उनको आप अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या सुविधा देंगे ताकि वो लोग आपके यहाँ आसानी से अकाउंट करंट अकाउंट खोल सकें? कोई भी अगर एक उनके पास बिजनेस का एक प्रपोजल है तो वो ज़रूर हमारे बैंक में जाकर अपने खाता खोल सकते हैं और जो भी उनकी जो जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमारे बैंकों को बताया तो हमारे लोग उनका मदद करेंगे। हमने 250 ब्रांचें स्पेसिफिक MSME ब्रांच बोलकर इसके लिए हमने डेसिग्नेट किया है। उधर एक एडिशनल क्रेडिट मैनेजर को भी दे दिया कि जो कि ऐसे लोग जो आते हैं उनको मदद करके उनका खाता खोलने का और उनको जो लोन की सुविधा चाहिए उसके बारे में भी सुविधा दें। अभी ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेज हैं? हमारा 6,000 ब्रांच। अभी अभी सर आपने कहा सेविंग अकाउंट आधार कार्ड और इसके अकॉर्डिंग खुलेगा। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे इसमें कि जिनके पास कि ना तो आधार कार्ड है ना उनके वोटर आई कार्ड बने हैं और वो अगर जाता है PNB बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए अगर तो उसका क्या उनका कुछ एक पहचान के लिए और अगर आप उनके लिए आज का एड्रेस का प्रूफ नहीं है तो कोई भी एड्रेस का प्रूफ है तो अगर वो तो रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइन दे दिया था विदाउट एनी प्रूफ भी आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन को बताया अवैध, जांच में पाए गए कई गोलमाल, अभी और सुनवाई की जरूरत। 1993 से अब तक के सभी आवंटन को बताया अवैध। पिछले दिनों मोदी की सभा में हुड्डा की हुडिंग पर हुड्डा ने कहा, हरियाणा की जनता वोट की चोट से देगी जवाब। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर लव जिहाद नाम से चल रहे प्रमोशन को उल्टा पड़ता देख भाजपा ने काटा किनारा, जबकि पश्चिमी यूपी में भाजपा के प्रमुख एजेंडों में शामिल है लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण। पिछले 10 वर्षों से आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए काम कर रही ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन महत्रुडेरा और खोरी गांव में फ्री कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई एवं ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर का किया शुभारंभ। मैं अनुरोध करूंगा भाई विजय प्रताप जी से और सुधा सुमन जी से कि आप आए और उसका अपने कार्यक्रमों से उद्घाटन करें। फाउंडेशन की जो है डायरेक्टर है रेणु सिंह, आप सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं भाई विजय प्रताप जी का। मेयर साहब को गुज़स्ता भेंट कर स्वागत कर रही है और जो इसके संस्थापक हैं श्री नीरज सिंह वो श्री विजय प्रताप जी को और मेयर साहब को मेडल पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस सभा में उपस्थित सारे भाई बंधु, आदरणीय विजय प्रताप जी, आदरणीय
प्रथम मेयर सुबेदार सुमन जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं चाह रहा था हरियाणा में, खासकर मेयर साहब के क्षेत्र में, एक सेंटर चलाऊं। सेंटर के लिए हमने ज़मीन तलाशी, मेयर साहब का उसमें काफ़ी योगदान रहा। खोरी गांव में भी पिछले साल से हमारा एक सेंटर चल रहा है, लेकिन वहां हमें जगह नहीं मिला। उसके लिए हमें पप्पू प्रधान जी ने बहुत सहयोग दिया, उन्होंने हमें वहां पे छोटा सा जगह उपलब्ध कराया और वहां हम पिछले साल से ही चला रहे हैं। ये हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है और इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन आप लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो लोग 8 घंटा कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं उनको 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलता है। आप लोग 8 घंटा मजदूरी करते हैं, आप लोगों को 150, 200, 300 रुपए सैलरी मिलता है रोज़ का। अगर आप अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा देंगे, वही बच्चा किसी भी ऑफिस में जाके काम करेगा तो उसे 20,000-25,000 रुपए सैलरी मिलेगा। बीए पास लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, बीए पास है, एमए पास है, वो एक्सपोर्ट के फैक्ट्री में जाके धागा काटता है। मैंने देखा है, आप लोग पता नहीं कितना देख पाए हैं, मैंने देखा है, नाली खोदते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं लिया है। आज गवर्नमेंट ने भी स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जोर लगाया है, उसके लिए काफ़ी फंड भी जारी किया है। इस डेरा के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें सहायता दें, सहयोग करें। इसी के साथ हम चाहेंगे कि इस सभा का अध्यक्षता हमारे मेयर साहब करें और मेयर साहब सभा को संबोधित करें। मैंने इन झुग्गियों का दौरा किया था 2-3 हफ्ते पहले, क्योंकि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का, इसके अंदर मैं हरियाणा से इसमें चीफ पैटर्न हूँ, इसलिए हमने पूरी झुग्गी झोपड़ियों का एक दौरा किया और उनका सर्वे किया और वो लिस्ट हमारे पास है। हमने ये देखा कि झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो गरीब लोग हैं वो कंप्यूटर की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते, जो माताएं और बहनें हैं वह शिक्षा के अभाव में सिलाई वगैरह नहीं सीख सकती या ब्यूटी पार्लर का काम लड़कियां हमारी नहीं सीख सकती, जिसके लिए मैंने नीरज जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ मदद मैं आपको करूंगा और फरीदाबाद के लोगों से करवाऊंगा और आप जगह जगह झुग्गियों के अंदर ये कार्यक्रम चालू करें, और इन्होंने उस बात को माना, मैं उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे 12-14 जो सेंटर खुलने हैं 1-2 महीने के अंदर वो खोले जाएं। और दोस्तों 2000 परिवारों का सर्वे हमारे पास है जो बीपीएल के अंदर है, और 2000 परिवारों के बीच में इन सेंटर को हम चलाना चाहते हैं। कंप्यूटर सेंटर जो चलेगा आपका, आपको NSIC के तरफ से यहाँ पर वो कंप्यूटर चलेगा और वहाँ से सीधी कॉन्फ्रेंसिंग होगी, आपको कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी तामिल मिलेगी। इसकी बात हमारी जो है सेंट्रल में हो चुकी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा, अपने आप में झुग्गी झोपड़ी में मैं समझता हूँ कि पहला प्रोग्राम ये होने जा रहा है और ये आपके सौभाग्य की बात है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि लार्ज स्टेज पर यह कार्यक्रम चले, और हमने पहले भटकल क्षेत्र से शुरुआत की है और भटकल क्षेत्र में कम से कम 10-12 ऐसे सेंटर हम लोग खोलेंगे। मैं विजय प्रताप जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने फाउंडेशन की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में आपको भगवान कामयाबी दे। हमारा यह समाज चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ रहा है, चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ है और रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने हाथ की बागडोर चौधरी विजय प्रताप जी को सौंप दी है और अगला इलेक्शन इनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और चौधरी विजय प्रताप जी अगला MLA होंगे, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि विजय प्रताप एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं,
और उनका उनकी सोच बहुत बढ़िया है, समाज में अच्छा काम करते हैं, जो बात करते हैं उसको करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसका ध्यान रखेंगे और इन गरीबों का खास तौर से ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने हमें बनाया, जिन लोगों ने आपके पिताजी को बनाया, या जो सेंटर आपके लिए खुला है, आपका है, इसमें आप पूरा सहयोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर विजय प्रताप के प्रयास से यहाँ सरकारी सारी चीजें जो उपलब्ध होती हैं एक समाज के लिए, उसमें जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयास हम करेंगे डीसी महोदय से और जितने विभाग हैं सामाजिक न्याय के, सब कुछ वहाँ से मिलेगा और आपके हक में यह लड़ाई लड़ी जाएगी और आप उसमें कामयाब होंगे। प्रिय और फरीदाबाद के क्या हरियाणा के पहले मेयर सूबेदार सुमन जी, सम्मान के योग्य ह्यूमन वेलफेयर जो फाउंडेशन है, ये चैरिटेबल काम करने वाली एक संस्था है, इसके फाउंडर नीरज जी, डायरेक्टर बहन रेणु जी, यहाँ मंच पर उपस्थित डीपीआर अशोक जी, भाई भूपेंद्र नागर जी, ताऊजी वीर सिंह जी, किशोरी प्रधान जी, भैया लाल जी, दुबे जी, भाई पप्पू जी, भाई अर्जुन जी, भाई रामदास जी, सुभाष जी, मास्टर बैठे हमारे सामने, शिव कुमार जी, स्वामी जी और भी ध्यान नगर से आए हुए सभी सम्मानित जन हमारे। शास्त्र में कहा है नर सेवा नारायण सेवा, इंसान की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना गया और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये चैरिटेबल काम किए जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आज मेरी दूसरी मुलाकात है भाई नीरज जी से, एक दफा इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि भाई साहब और हमारी बहन जी जो इनकी धर्मपत्नी है, उनके हृदय में ये भाव है और ये एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं जो गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो हम सबका धर्म बनता है कि हमें ऐसे कार्यों में सहयोग देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए और प्रेरणा भी लेनी चाहिए। देखिए जो ये आज कार्य शुरू किया है, इन्होंने शुभारंभ किया है सिलाई बुनाई का, कढ़ाई का, कंप्यूटर का और किस चीज का वैसे ब्यूटिशियन, ये सारे ऐसे कार्य हैं जो महिला सशक्तिकरण की तरफ आपको लेके जाते हैं। और निसंदेह हमारी बहनों को, हमारी माताओं को स्वावलंबी बनाने में ये मदद करते हैं। देखिए दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं, सभ्यता वही अच्छी मानी गई है जहां आदमी और औरत में फर्क ना हो, जहां आदमी और औरत के अधिकार बराबर के हों, जहां हमारी स्त्रियों का दमन है वहां कभी खुशहाली नहीं आ सकती। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हमें अपनी माताओं को, बहनों को स्वावलंबी बनाना होगा, उनके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने दम पे अपना जीवन जी सके, उनको सहारा ना लेना पड़े। और हमारी माताएं और बहनें इसका भरपूर फायदा उठाएंगी, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और पूरे समाज। और मेरी तरफ से मैंने एक छोटी सी भेंट ये दी है और मैं यह यकीन दिलाता हूँ भाई नीरज जी को, हमारी बहन जी को, रेणु जी को, मेयर साहब को भी, कि यथासंभव सहयोग हमेशा रहेगा इस संस्था के लिए। मेरा अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए mobilenews24.com।